प्रभाव देखिएगा। दर्शन हुआ माता जानकी जी को, अब एक बार का समय निकल गया, दूसरी बार माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और दो हाथ में जल था। श्रावण का महीना ज्ञात नहीं रह पाया और माँ जल को समर्पित करकर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी, पर वो शिवलिंग जो पार्थिव बना हुआ था वो माता से नैनीताल में जिस जगह पर सीतेश्वर महादेव है उस गांव का नाम सीता बनी है। गांव का नाम याद रखिएगा, सीता बनी। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए तो एक बार मन करना कि मैं सीता बनी जाऊं। और सीता बनी वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं, तो दिन दिन में अगर कई गाड़ी से लोग दर्शन करके वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीता बनी जहां सीतेश्वर महादेव विराज। अब जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, विसर्जन करने जा रही है, पर वो शिवलिंग हिला नहीं, वो शिवलिंग उठा नहीं। लवकुश ने कहा, मां आपसे शंकर जी नहीं उठ रहे, आप ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहे। मां लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा, जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाते, को नहीं हिला पाए। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन, और देव ऋषि नारद ने आकर कहा, मां यह आपके पुत्र इस शिवलिंग को नहीं हिला सकते, मां ये शिवलिंग मैं भी नहीं हिला सकता, क्योंकि श्रावण महीने में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को एक दृढ़ी पक्का और निश्चित कर देता है और अटल कर देता है, ये हिल नहीं सकता। एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं, हमारे मंदिर में हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते, क्यों ना लेंगे, तो शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते हो। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ। ये उसकी उदारता है। दो बच्चे, उसके पिता नहीं है, मर चुके हैं, माता का नाम है ओम और राधे है। यूपी जिला बांदा से आए, कहां है, हाथ हिलाइए। गुरुदी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर बाबा का जल और बेलपत्र लाकर देना चालू करा, सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया था, आराम नहीं मिला, पति नहीं, इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकते, पर मेरे भोलेनाथ ने मेरी जो बड़ी बीमारी थी उसको हर लिया। गुरुजी मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कहा था, जिस दिन हमारी माँ अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि पापा तो है नहीं, माँ अच्छी हो जाएगी ना, जहाँ भी कथा हो रही होगी, जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके ही 8 दिन में हम जहाँ कथा हो रही होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। गुरुदेव इतना धन तो नहीं था क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था, बाबा ने मेरे को जो बड़ी बीमारी थी ठीक कर दिया। गुरुदेव बच्चों के भाग्य से मेरे महादेव ने मुझे अच्छा रखा, मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में उनके पापा ने पहले जो पैसा दिया होगा गुल्लक में डाला होगा, वो गुल्लक का
छोड़कर हम तीनों यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसका किराया भी शिव तक। एक बार हाथ हिला तो बहन, बहुत बहुत साधुवाद का है। आप उसके भावों में आए हो, ये गुल्लक आपके बच्चों ने फोड़ी है। वो जो गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग पाएगी, इतना विश्वास मानिए। बैठिए। हर हर शिव तत्व इसको कर। नहीं है इतना धन। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने सब काम बेकार करके रखा है। कई लोग कहते हैं एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते, धतूरा चढ़वा देते हैं। ए भाई, अगर कोई पैसे की चीज चढ़वाते हैं ना, तो ये साधारण से जिनके ये पत्र आए हैं, जिनके पास चढ़ाने के लिए भी नहीं है, वो क्या चढ़ा पाते। बहुत मैसेज आते हैं, आड़े टेढ़े आते हैं, फोन करते हैं लोग, क्या चढ़वा रहे हो, क्या है? पर इतना विश्वास जरूर करता हूं, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूंगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई है, गेहूं का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं, तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाए। भाव से पास में करोड़ों की संपदा होगी, वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है, और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए, उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो वो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है, तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है वो। तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी, वो भरोसा कैसे तोड़ दे। तो ऑपरेशन हुआ उसका, आपका कैंसर सही हुआ, उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ, बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो, तो क्या मैं बच जाऊंगी। वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में माँ के गले लगकर कहती है, डॉक्टर कह रहे हैं तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। माँ, क्या महादेव सुनते हैं? उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। माँ अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, बचा लेगा। क्यों नहीं आए भाई, हम उसके भरोसे ही तो जी रहे हैं, हम उसके सहारे ही तो जी रहे हैं। हमारे पास है क्या, हम किसको पुकार सकते हैं, हम किसको बोल सकते हैं, हम किसको कहेंगे कि हमको ये तकलीफ है। अगर हम अपनी तकलीफ को दुनिया को बता भी देंगे तो कौन ठीक कर देगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, प्रवचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय वो आ जाएगा। माँ तू कहती है बच जाएंगे, वो कहता है मर जाएंगे, बेटी कहती है मुझे दिखता नहीं है एक आंख से। मां आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी, वो दुनिया की सारी दिवालियां फेंकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फेंकी है। गाली दे शब्द का है, वो ठीक हो गई ना, बहुत है। जल मिल गया ना शिव को, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना, उसकी स्वीकृति है,
स्वीकार कर दिए। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़ कर अपनी माँ को ठीक कर कर अगर यहाँ तक लेकर आए तो बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं, मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा, ये उसको मालूम है, ये उसके ध्यान में दे देता है। भाई जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव। तो मैं केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण है। शिव है, लोग कहते हैं तुमने महादेव को देखा है, हमने कहा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है, हम समझ जाते हैं कि वो आकर चला गया और देकर चला गया। क्या देखे, क्या देखे? लक्ष्मण जी से पूछा गया तुमने जानकी जी का चेहरा देखा है, ये श्रृंगार देखे? लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने माँ के चरण देखे हैं तो पायल बता सकता हूं कि मेरी माँ की है। हमसे कोई कहे तुमने शंकर को देखा है, तुमने महादेव को देखा है, हम केवल इतना कह सकते हैं इन पत्रों में लिखा हुआ एक एक जवाब मेरे महादेव का है, तो हमने देखा नहीं पर पत्र कहते हैं कि वो है। क्या देगा, कितना देगा मालूम नहीं है। लोग तो केवल विश्वास से आते हैं, भरोसे से आते हैं, दृढ़ता से आते हैं, पहुंच जाते हैं, हाथ में है। अंगारा जो होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा जो जल जाता है, अंगारा जो होता है उससे कोई दोस्ती कर ले, उससे कोई पहचान कर ले, उसको माता मान ले।